बेशक जिला मैजिस्ट्रेट कम डिप्टी कमिश्नर पटियाला श्री कुमार अमित ने पटियाला जिले की हदबुद अंदर कोरोना वायरस नू फैलन तो रोकने लिए पटियाला विखे सवेरे 7 बजे तो लैके शाम के 7 बजे तक जरूरी वस्तुओं वाली दुकाना खुलियां रखने के आदेश जारी किए सन ते नाल ही COVID-19 प्रबंधन लिए कौमी पद्धर से जारी हदायतों की पालना यकीनी बनाने लिए भी पुलिस प्रशासन को आख्या गया है, जिस तहत जनतक स्थानों पर फेस मास्क पाना लाजमी है ते नाल ही समाजिक दूरी बनाने के आदेश भी प्रशासन वालों लोगों को दिए गए हैं। पर इस दे बावजूद भी शहर में जिथे लोग समाजिक दूरी दी धज्जियां उड़ाते वेखे गए हैं, उत्थे ही शहर दियां वख-वख दुकानों में दुकानदार बिना मास्क तो समान बेचते भी नज़र आए। पटियाला के धर्मपुरा बाजार तो लैके कोतवाली एरिए तक जिथे आवाजाई दौरान भीड़ देखी गई, उत्थे ही लोगों वालों समाजिक दूरी दियां भी धज्जियां उड़ाई गई। उत्थे दूजे पासे काफ़ी दुकानों में जिथे इकट्ठ वेखन नूं मिलिया, उत्थे ही दुकानदार भी जिला प्रशासन दियां हदायतां दियां धज्जियां उड़ाते नज़र आए और बिना मास्क समान बेच रहे सन। पत्रकारों नाल गलबात करदिया थाना कोतवाली के इंचार्ज सुखदेव सिंह ने दस्सिया है कि जिला प्रशासन वालों जो हदायतां जारी कीतियां गईयां ने अते इन्हां हदायतों की पालना ना करन वाले व्यक्तियों खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। नाल ही उन्होंने आख्या कि उन्होंने वालों हर रोज़ जिथे लोगों को प्रेरित किया जा रहा उत्थे ही दुकानदारों भी समाजिक दूरी फेस मास्क और सैनेटाइजर की वरतों यकीनी बनाने लिए आख्या जा रहा है। पर इस दे बावजूद जेकर कोई भी इन्हां हदायतों की इन बिन पालना नहीं कर रहा तो आने वाले समय में इन्हां व्यक्तियों के जिथे चलान किए जाएंगे उत्थे नाल ही मास्क ना पाउण ते जुर्माना भी किया जाएगा। आजाद टीवी न्यूज़ के लिए पटियाला तो प्रदीप जसी की रिपोर्ट। जिस तरह आपको पता ही है कि पंजाब सरकार वालों दिन का कर्फ्यू चुक लिया गया है, दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। ये रिगार्डिंग जिला प्रशासन वालों मानयोग DC साहब वालों दुकाना खोलने बारे वख-वख शेड्यूल जारी किया गया, जिहदे तहत कहड़ियां दुकानां किस दिन खुलणगियां अते किस किस समय खुलणगियां इहदे बारे सोशल मीडिया ते वट्सएप ग्रुपां दे अखबारां राहीं इहनूं चंगी तरह पबलिसाइज़ भी कीता गया। साडे वल्लों भी अपने पद्धर ते दुकानां नूं इस बारे जाणू कराया गया, इहदे नाल लोकां नूं काफ़ी राहत महसूस हुई है। लोक अपने रोज़मर्रा दे जिहड़े भी कम्मकार ने उह कर रहे ने अते दुकानदारी कर रहे ने, ते इस दे नाल नाल असीं इह वी यकीनी बना रहे हां कि जिहड़ियां करफ्यू दियां हदायतां ने या लॉकडाउन दे तहत जिहड़ियां हदायतां जारी कीतियां सीगियां कि आपां मास्क पहन के रखना, इकट्ठ नहीं करना दुकानां दे अंदर, ते सोशल डिस्टेंसिंग नूं बना के रखना, इहदी भी असीं पालना इनश्योर कर रहे हां। जिते किते भी इहदी वायोलेशन होएगी असीं गवर्नमेंट दे जिस तरह प्रोविजन आए ने फाइन करांगे या कानूनी कार्रवाई करांगे। तो सर कई दुकानों के काफ़ी जिवें भीड़ भी इकट्ठी होएगी तो मास्क नहीं पाया होगा दुकानदार वालों असीं सारे दुकानदारां नूं इस बारे जाणू कराया कि दुकानां दे अंदर भीड़ ना होण दित्ती जावे, जे ज़्यादा रश हैगा तां उहनां दीआं लाइनां लगवाईआं जाण ते उहदा डिस्टेंस मेनटेन किया जाए, उहदे लई सर्कल लगाए जा सकते ने या होर तरीके नाल डिस्टेंस मेनटेन किया जा सकदा, लेकिन फिर भी जे कोई इस चीज़ की अवेल ना करेगा तो उहदे बारे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम परमजीत सिंह सानी है जी, पुरानी सब्जी मंडी का एरिया वीर जी, इत्थे सारिया जरूरी वस्तुओं का दुकाना ने जिमें कि राशन हो गया, बेकरी होगी, सोशल सारे मेनटेन कर रहे जी, हम हर बंद पता लग गया भी डिस्टेंस मेनटेन रखना है और उदा ही चल रहे हैं। देखो जी उन्होंने यही कहना कि अपनी सेफ्टी लिए आप मास्क पाना है, तो जिहड़ा नहीं लगा रहा उन्होंने भी वो ताकीद कर भी लगा के साडे नाल गल करो, जिहड़ा गाहक है अगर वो मास्क लगा के आंदा उन्हें समान दिता जाए, जे नहीं आंदा तो उन्होंने समान ही ना दो। प्रशासन ने कहा जिहड़ा मास्क नहीं लगाएगा उन्होंने 200 रुपया जुर्माना, बिल्कुल जायज़ 500 होना चाहिए जी, जबरदस्ती ये तो इंप्लीमेंट होगा, पहले बारी 200 अगली बारी 500 कर दो सीधा बस। दुकाना बहुत वधिया जी, एक दिन खुलदियाँ एक दिन बंद है, बहुत वधिया सिस्टम है, महाराजा साहब ने बहुत वधिया काम करिया, लेकिन इनू अगे जेडे पब्लिक है उन्होंने चाहिए कि इनू इंप्लीमेंट करे और एग्जीक्यूट करे। बिल्कुल दुकानदार साहब ने मास्क लगाए हुए, तकरीबन सारे दुकानदार भरा वीर ही खड़े ने, बाजार की एसोसीएशन है, जिवें रूल के मुताबिक चल रहे हैं सारे।